नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज का वीडियो है फिल्म लाहौर 1947 के बारे में। 10 तारीख से फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है और राजकुमार संतोषी ने एक इंटरव्यू दिया जो कि फिल्म के डायरेक्टर है, और उन्होंने कहा कि ये एक ड्रीम टीम है, हमारी ड्रीम टीम है, क्योंकि मैं हूँ डायरेक्ट वो कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि मैं सनी देओल सर को डायरेक्ट कर चुका हूँ घातक, घायल, दामिनी जैसी फिल्मों में, तो सनी देओल सर के साथ दोबारा काम करने का मौका मिल रहा है। साथ ही राजकुमार संतोषी, आमिर खान जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, वो कहा जा रहा है कि इस फिल्म में उनका एक्सटेंडेड कैमियो होगा, 30 मिनट का बड़ा कैमियो होगा, तो उनके साथ भी वो फिल्म अंदाज अपना अपना में काम कर चुकी है। जो फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा हिट नहीं रही थी, सलमान खान भी साथ थे, और दोस्तों लेकिन कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है उसको, बहुत ही कॉमेडी से भरपूर फिल्म थी, काफी मजा आया था। मैंने फिल्म देखी थी, करिश्मा कपूर रवीना टंडन थे और बहुत सारे कलाकार थे दोस्तों, बहुत ही मतलब एक हंसी मजाक से भरपूर फिल्म थी, काफी अच्छे गाने भी बिल्कुल अलग तरह के थे। उसका भी सिक्वल बनाने की बात हो रही है कि अंदाज अपना अपना 2 बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल तो राजकुमार संतोषी लाहौर 1947 बनाएंगे, उसके बाद भी शायद बनाए। तो इन्होंने कहा कि मेरी ड्रीम टीम में सनी देओल सर है, इसमें साथ में आमिर खान है, तो और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि इसमें सपना आजमी भी है एक महत्वपूर्ण रोल में, साथ में प्रीति जिंटा भी इसमें सनी देओल सर के अपोजिट नजर आने वाली है, और कहा यह भी जा रहा है कि करण देओल भी इस फिल्म में नजर आएंगे, सनी देओल सर के बड़े बड़े बेटे हैं वो भी, लेकिन उनका अभी कन्फर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है। तो साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में बात की गई उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि म्यूजिक तो AR रहमान देंगे इसमें, तो उन्होंने म्यूजिशियन का नाम कन्फर्म कर दिया, AR रहमान इसमें म्यूजिक देंगे और जावेद अख्तर इसके गीत लिखेंगे। तो उन्होंने कहा इससे बेहतर जोड़ी हो नहीं सकती थी इस फिल्म के लिए, जिस तरह की इसका सब्जेक्ट है और जिस प्रकार के इसके बोल चाहिए गानों के और जिस प्रकार का म्यूजिक चाहिए, तो यही दो नाम उनके दिमाग में आए थे। तो दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म की शूटिंग के लिए बजट की कोई समस्या नहीं है, तो भव्य पैमाने पर इसको बनाया जाएगा। मुंबई के मड आइलैंड और मलाड में इस फिल्म के सेट्स बना लिए गए, भव्य सेट्स बनाए गए हैं जहाँ पे लाहौर रिक्रिएट किया गया है, और फिल्म की शूटिंग 10 तारीख से शुरू हो रही है और बहुत तेजी से शूटिंग की जाएगी, और मेकर्स का प्रयास है कि फिल्म को इसी साल रिलीज कर दिया जाए, इस साल नहीं तो अगले साल शुरू में ये फिल्म आ जाएगी। और आमिर खान भी अपनी फिल्म जो सितारे जमीन पर है वो भी दोस्तों क्रिसमस पर रिलीज कर रहे हैं, उसकी शूटिंग भी 12 फरवरी से शुरू हो रही है। तो 10 तारीख से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है, बहुत बड़ी फिल्म है सनी देओल सर की, और जिस प्रकार से गदर 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी तो बहुत उम्मीदें उनकी इस फिल्म से है। इसके अलावा सफर भी उनकी रिलीज होने वाली है, सूर्या है, बाप है, बहुत सारी मूवीज है, उसके बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें आप लगा सकते हैं। अगर इस फिल्म को ढंग से बनाया गया, सनी देओल सर की इमेज के अनुरूप इस फिल्म को बनाया गया, तो दोस्तों फिर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिर से बड़े मतलब एक तूफान, बड़ा एक सुनामी लेकर के आ सकती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बोलिए।